हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम शहाब है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सऊदी अरामको कंपनी में कैसे जॉब आप ले सकते हैं, कैसे जॉब को सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने, आपको पता होगा सऊदी अरामको वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड। अगर आप एक बार जॉब कर लेते हैं, आप जॉब मिल जाता है आपको सऊदी अरामको कंपनी के अंदर में, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप हर चीज़ वो अचीव कर सकते हैं अपने जीवन में जो आप चाहते हैं, जो एक अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसी आपकी एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा करने के लिए एक रास्ता बताऊंगा, बस चलना आपको है। देखो, सऊदी अरामको कंपनी किसी परिचय का, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। उसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, आपको पहले से पता होगा, तभी आपने सर्च किया और इस वीडियो को फाइंड आउट किया। अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिल्कुल आप सही जगह हैं। आपको जेन्युइन स्टेप्स बताऊंगा सऊदी अरामको कंपनी के अंदर कैसे आप जॉब को हासिल कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप अपने जीवन को एक बहुत ही अच्छे बड़े गोल की तरफ आप लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरामको कंपनी का वैकेंसीज किसी पेपर में, किसी मैगज़ीन में, कहीं आप एजेंट के पास, किसी ऑफिस में, किसी जॉब कंसल्टेंसीज के पास नहीं आती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप वेट कर रहे हैं कि कहीं मेरी इस तरह की वैकेंसीज किसी ऑफिस में मिलेगा, किसी पेपर में देखने को मिल जाएगा, तब मैं अप्लाई करूंगा, तो आप रॉन्ग हैं, आप गलत जा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप बिल्कुल अपने लक्ष्य पे अगर आप बने हैं तो कभी भी इस तरह की वैकेंसीज के चक्कर में नहीं पड़िए, या कि कोई एजेंट बोलता है कि मैं आपको भेज देता हूँ, तो ये भी रॉन्ग है, गलत है। वहाँ कोई एजेंटीगिरी नहीं चलती है, कोई ऑफिस में इसकी रिक्वायरमेंट वैकेंसीज नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको मिलेगा जॉब। इस वीडियो को कंप्लीट, थोड़ा भी स्किप आप करेंगे आप मिस कर जाएंगे, उससे अच्छा इस वीडियो को नहीं देखिए, जब टाइम हो आपके पास तभी देखिए। आपको मैं बताऊंगा, देखो दो तीन तरीके हैं, दो तरीके बहुत स्ट्रॉन्ग है सऊदी अरामको कंपनी में आप जॉब ले सकते हैं। एक तो कोई आपका फ्रेंड है, कोई है वहाँ से आपको रेफरेंस दे दे, आपकी पहचान का है, कोई इंट्रोड्यूस करा दे आपको उस कंपनी में, आपको सीवी फॉरवर्ड कर दे, सीवी दे दे, थोड़ा सिफारिश कर दे, आपका जॉब लग जाएगा। ये एक रास्ता है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग रास्ता क्या है, उसके जॉब पोर्टल पे, उसके वेबसाइट पे, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको लाइव ले जा करके मैं दिखाऊँगा, सब कुछ समझाऊँगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको वहाँ पर आपको प्रोफाइल बनाना है, कैसे क्रिएट करना है प्रोफाइल, हर चीज़ आपको कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पर ले जा करके मैं समझाने वाला हूँ। दोस्तों, बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, संयम से देखिए। कभी कभी ज़िंदगी में दो चार मिनट आप दे देंगे तो हो सकता है कि आपका लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो। मैं यही आशा करता हूँ कि आपका जीवन में हर चीज़ आप वो अचीव करें जो आप चाहते हैं। दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के सीधा मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप सऊदी अरामको पोर्टल पर जाकर आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वहाँ देख सकते हैं कि जॉब किस तरह की वहाँ पर वैकेंसीज चल रही है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सऊदी अरामको के अंदर आप जॉब करना चाहते हैं तो यकीनन आप क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, एक एजुकेटेड पर्सन होंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको डीपली स्टेप बाय स्टेप समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा मैं गाइड करूंगा, आप उसको ध्यान से देखना। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर समझ ना आए तो दो तीन बार रिप्ले करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। और आज ही आप अपना सीवी अपडेट करके सऊदी अरामको पोर्टल पे अपडेट कर दीजिए। क्या पता ज़िंदगी और किस्मत कभी भी बदल जाती है, कभी भी चेंज हो जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता है। हम वो चीज़ कभी कभी ज़िंदगी में अचीव कर लेते हैं जिसकी उम्मीद हम नहीं किए होते हैं, एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मिलती नहीं है। दोस्तों, यही तो ज़िंदगी की खूबसूरती है। खैर, आइए शुरू करते हैं, सीधा लेकर चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर का ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, और अगर आप मोबाइल पे हैं तो मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, और वहाँ पे क्या टाइप करना है आपको, www.aramco.jobs www.aramco.jobs। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और इसको जब टाइप करके सर्च करेंगे तो इस तरह का एक फेस खुलेगा, और सबसे ऊपर वाला लिंक को आपको क्लिक करना है। और मेक श्योर कि अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपका डेस्कटॉप साइट ऑन होना चाहिए, डेस्कटॉप साइट को
टिक कर दीजिए और ऊपर वाले लिंक को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं सऊदी अरामको के ऑफिशियल साइट पे आप आ गए, ठीक है, आप आ चुके हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, जॉब प्रोसेस के बारे में, क्या टर्म ऑफ कंडीशन होता है, सऊदी अरामको के स्टैंडर्ड के बारे में, और नीचे एक ग्रीन कलर का बटन है, करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है, लेकिन यहाँ पे रुकिए, अभी कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए सब जॉब्स है, लेकिन अभी यहाँ इसको टच नहीं करना है। यहाँ पे टॉप टच करेंगे तो ये आप गलत चले जाएंगे। इससे पहले, टच करने से पहले आपको प्रोफाइल को क्रिएट करना है, प्रोफाइल बनाना है। उसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने और खुल जाएगा। अब देखिए क्रिएट अ अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, जो सऊदी अरामको पोर्टल पे बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप रजिस्टर हो जाते हैं एक तरह से सऊदी अरामको के पोर्टल पे जॉब के लिए, जब भी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है या वैकेंसीज आती है तो सऊदी अरामको आपको कॉल करेगी, आपको मेल करेगी। ये बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर आप जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको फिल करना है, ईमेल एड्रेस है, रीटाइप ईमेल एड्रेस है, चूज एक पासवर्ड आप बना लीजिए स्ट्रॉन्ग सा कोई अच्छा सा, और टाइप फिर पासवर्ड करना है अपना, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, फ़ोन नंबर, और फिर किस कंट्री से हैं आप। और ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन का जो एक मार्क है, टिक है, इसको टिक करके रखिए ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, सो उसके बाद से आपको ये जो क्रिएट अकाउंट है उसको आपको क्रिएट कर देना है, उस पर दबा करके। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एक मेल चला जाएगा आपको, ठीक है। वो मेल को आप वेरीफाई कर लीजिएगा, और जब भी यहाँ पे आप अपना वैकेंसीज़ को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सर्च बाय कीवर्ड कुछ भी। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डाल दिया, यहाँ पे ऑब्वियसली सऊदी अरबिया के अंदर ही सऊदी अरामको है, तो उसको जॉब सर्च करते हैं। देखिए नीचे कितना सारा सब वैकेंसीज़ आ गया, कितना ईजी है ना। और अगर इस किस्मत है, आजमाना चाहिए, अगर हो गया सऊदी अरामको में तो भाई क्या सोच सकते हैं, ज़िंदगी आपकी चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सब स्टेशन इक्विपमेंट इंजीनियर, बहुत सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वैकेंसीज़। और इस तरह से वैकेंसीज़ को आप सर्च करके और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्लिक किया है इसको, देखिए उसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, टोटल डिटेल्स मिल जाएगा, और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना हर चीज़ इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं तभी आप सऊदी अरामको के अंदर जॉब करने की सोच रहे हैं दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उसमें जो और जो कैटेगरी है, जो लेबर मैन पावर होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन और ये जो प्लम्बर, ये सब कैटेगरी का वैकेंसीज नहीं होता है उसके अंदर में। सिर्फ की पर्सन्स इंजीनियर रैंक के लोग, मैनेजर रैंक के लोग, QC इंस्पेक्टर्स, ये सब होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जॉब को सर्च कर सकते हैं सऊदी अरामको के पोर्टल पे। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि जब भी इन फ्यूचर आप जॉब को अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, एक मेल आईडी आपका ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, उस मेल पे एक मेल चला जाएगा सऊदी अरामको के अंदर, और एक लिंक रहेगा वहाँ पर, वहाँ से आपको जॉब अप्लाई करना है, ठीक है। आप यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर में, यहाँ पे आप नहीं देख पाएंगे कि जॉब को कैसे यहाँ पे CV अपलोड करने का नहीं है, लेकिन आपको एक मेल जाएगा, उस मेल में एक लिंक होगा, उस लिंक के द्वारा आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो ये बिल्कुल सही और सेफ तरीका है। कोई एजेंट बोलता है कि मेरी पहचान सऊदी अरामको के अंदर है, मैं आपको भेज दूँगा, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया चाहिए, तो उसकी औकात नहीं है कि सऊदी अरामको की जो सीढ़ी है ना ऑफिस की, उस सीढ़ी के ऊपर में भी खड़ा हो जाए। एजेंट लोगों की औकात नहीं है, क्योंकि सऊदी अरामको है दोस्तों, वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है कि मैं उसके बारे में क्या बताऊँ आपको। बस अच्छे चीज़ को अच्छा ही कहना चाहिए। मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर में मैं काम किया हूँ, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को मैं जानता हूँ, क्या उसकी स्टैंडर्ड है, क्या उसकी वैल्यू और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, कितना अच्छा सैलरी पैकेज है, ये सब चीज़ें बार बार एक्सप्लेन करके फ़ायदा नहीं है दोस्तों। वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कंप्लीट और जेन्युइन जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों। आप अपना ध्यान रखिए, और इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।